हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाईफाई ईजी कैम के बारे में, जो 360 डिग्री एंगल पे ये मूव करता है और इसका एडवांटेज क्या है और इसको कैसे कंपेयर करते हैं और फिर इसको अनबाइंड कैसे करेंगे, तो वो सारा कुछ ऊपर। मतलब मैं पहले बता दे रहा हूँ कैमरे का लुक कैसा है, डब्बा के साथ क्या क्या आएगा आपके साथ, क्योंकि जस्ट मैंने अभी ओपन ही किया है। तो ये सबसे पहले ये बॉक्सेस आपके साथ में रहेंगे। बॉक्सेस के अंदर क्या रहेगा, ये आपका कैमरा, ये आपका एक वायर आएगा, ठीक है, और उसके साथ आपका ये आपका रहेगा एक मैनुअल किट रहेगा। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका रिसेट पिन करने के लिए है, हार्ड रिसेट करने के लिए कैमरे को। ये स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है और ये वॉल माउंट के लिए दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। इसको मैं साइड करता हूँ। अब हम आते हैं इसका फिजिकल स्ट्रक्चर पे। फिजिकल स्ट्रक्चर ये आप इस टाइप का रहेगा, लुक वाइज आप देख सकते हैं ये ऐसे घूमता भी है। इसमें टू वे कम्युनिकेशन है पॉसिबल, ठीक है। और आपका ये आपका जो ऊपर जब करेंगे, ये छोटा सा जो होल दिख रहा है आपको, ये आपका रिसेट के लिए है जो गोल वाला है, और जो चौड़ा वाला आपको होल दिख रहा है वो SD कार्ड के लिए है, जहाँ पर आपका रिकॉर्ड होगा। अब हम आते हैं इसको कन्फिगर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपका एप्लीकेशन खोलेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन खोलने से पहले आपको करना क्या है, आपको कि एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा जो कि प्ले स्टोर में मिलेगा, ईजी कैम प्लस के नाम से सिंबल होगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जहाँ ये वो सबसे नीचे में राइट हैंड साइड बॉटम पे ईजी कैम प्लस लिखा हुआ है, उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस टाइप का सिंबल आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। फिर वहाँ पर साइन अप करेंगे तो फिर आपको ये इंस्टॉल मिलेगा। जब इसको खोलेंगे फिर आपको जब साइन अप करने के बाद आपके जो स्क्रीन के सिंबल दिख रहा है आपको, ये ऐसा आपको दिखेगा ओवरऑल। फिर आप प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे, पहले मैं बता रहा हूँ ऐड करने के लिए। और इसके बाद इसमें 6 वेरिएंट टोटल आते हैं ईजी कैम का, जिसमें ये तीसरा वेरिएंट मैं यूज़ कर रहा हूँ E23। E21 का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। E23 में अपलोड कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, सो बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मॉडल कीजिएगा, और याद रखिएगा जिस कैमरे को जिससे वाईफाई देना है तो ये आपका मोबाइल उसी वाईफाई से ऐड होगा, और आपका कैमरा वो भी उसी मोबाइल, ये आपका कैमरा ये भी उसी वाईफाई से अटैच होगा, तभी वो। ऐसा नहीं है कि आप ये वाईफाई रखें और अपना मोबाइल डाटा यूज़ करें तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पहले एक सीरीज़ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाईफाई कैमरा है तो वाईफाई बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। सबसे पहले तो जो मॉडल है आपका वो सिलेक्ट करेंगे, वो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो स्कैन करने का ऑप्शन होगा, तो आपको कैमरे को हेड टू हेड माउंट करना है। जैसे आपको ये कैमरा रखा और ऐसे आपको कैमरा भी सामने उसके रखना है, ठीक है। फ्रंट साइड से, बैक साइड से मैंने दिखा रखा क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको फ्रंट साइड से रखना है बिल्कुल सीध में, और करीब करीब बीच में 8 से 10 इंच का गैप रखिएगा और 1 से 2 मिनट के बीच में वेट कीजिएगा। तो वो वाईफाई कनेक्टिंग फिर वो कनेक्टेड सक्सेसफुल लिखेगा। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर के अप मोड पर आपको नीचे दिखा, जहाँ बैटरी का सिंबल है उसके जस्ट नीचे अदर मोड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो मैंने बताया क्या कि ये वायरलेस स्कैन जो मैंने पहले बताया, अब है स्मार्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें आपको सामने नहीं रखना पड़ेगा कैमरे को, ठीक है। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ भी स्मार्ट कॉन्फ़िगरेशन, वो हो गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें भी सेम प्रोसेस आएगा। नेक्स्ट स्टेप अब मुझे करना क्या है, ये आपसे मांग रहा है लोकेशन आपको इनेबल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये नहीं एक्सेप्ट करता है। अब हम नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद आपको जैसे मैंने इनेबल कर दिया इनेबल आपका GPS, फिर आपका जो वाईफाई का है वो और उसका पासवर्ड डालेंगे, फिर आप कंफर्म करेंगे, फिर ये सर्किल चलना शुरू होगा, ठीक है। अब हम वेट करेंगे। ये देखिए ये देखिए ब्लू लाइट जलना शुरू हो गया, डैट मीन्स इसे इंटरनेट का कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया है आपस में। अब जब ये सक्सेस हो जाएगा एक बार कनेक्शन, तो ये जो आपका जो लाइट ब्लिंक कर रहा है ब्लू वाला, ये आपका स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट एक बार, ठीक है।
ये डिवाइस एडेड सक्सेसफुली आपका ये मॉडल भी दिखा दिया। इसके बारे में कुछ देखना है तो आप सिंबल पर क्लिक कर सकते हैं, सीरियल नंबर वगैरह, या फिर इसको डन कीजिएगा तो ये आपको दिखना शुरू हो गया। ठीक है, आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं इसको जिस डायरेक्शन में करने के लिए उस डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए घूमना शुरू हो गया आपका। ठीक है, ये है आपका ओवरऑल। ठीक है, इसके बाद आप टू वे कम्युनिकेशन चाहते हैं, पॉसिबल है इसमें। जस्ट आपको जो सिंगल जो एसडी का ऑप्शन दिया हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये आपका मैंने बताया, ये तो ऐड हो गया। अब हम एक काम करते हैं इसको कि ये आपका स्क्रीन के ऊपर देखा, ये ऑनलाइन दिखा देगा आपको। ठीक है, अब हम बाहर आ जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कि दूसरे मोबाइल में ऐड कैसे, शेयरिंग कैसे करते हैं। तो सिंपल से करना क्या है कि उस मोबाइल में भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा आपको।